Hi, hi everyone. Hello. Hi. Already बहुत सारे people join हो रहे हैं. How are you all? How are you all? ओ माय गॉड, एक्साइटमेंट जो मुझे दिख रही है, मुझ में अभी जितनी एक्साइटमेंट है उससे डबल यहां पे मुझे दिख रही है ऑन स्क्रीन. एकदम मजा ना. हेलो 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 सुमेधियन. ओ माय गॉड, आज मेरी जो फीड है वो सारे सुमेध के जो फैंस है उससे एकदम इट्स फिल्ड अप विद सुमेधियंस. आई एम गुड. हाँ. जो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो कह रहे हैं कि सुमेध विल बी लेट. नहीं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ही विल जॉइन अस वेरी सून एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन. सो स्पेशल आपका कोई क्वेश्चन हो तो लेट्स डू दैट क्वेश्चन सेशन. फिर वो डेफिनेटली मैं जैसे ही हम लाइव आते हैं सुमित के साथ, कृष्ण के साथ, तो वो सारे क्वेश्चन आई टेक केयर कि मैं ले पाऊं. सो क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क हिम आप मेरे थ्रू उनको पूछ सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. यस, ही विल बी कमिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. यस, जितने भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि प्लीज सेव दिस वीडियो, आई विल टेक केयर. आई विल डेफिनेटली सेव दिस वीडियो ताकि आप सब लोग जो उनके फैन है वो देख पाए. चलिए, तो आज उनके साथ, कृष्ण के साथ लाइव कर रहे हैं तो उन्हीं की बातों के साथ शुरुआत करते हैं. तो आप बताइए कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, या तो फिर उनकी फेवरेट बातें, कोई फेवरेट उनका जो सीक्वेंस है एपिसोड, उसके बारे में बात करते हैं. ओ माई गॉड, वॉट सिली क्वेश्चन. डज ही शेयर हिज क्लोथ्स? आई डोंट थिंक सो कि इन दिस टाइम ऑफ कोरोना ही विल डू दैट. यस यस, बहुत सारे लोग मुझे अभी भी बोल रहे सेव दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली डू दैट. ओके, सो आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. ओके, सो प्लीज अभी जो भी लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कहीं आप लोगों में ऐसा ना हो कि मैं उनको ज्वाइन ना कर पाऊं, उनका नाम मुझे ना दिखे. सो प्लीज, मे बी वी विल कनेक्ट अगेन. पर आज जिनको डेडिकेट करके ये सेशन हम कर रहे हैं, कृष्ण से बात करने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए ये स्पेस खाली रखते हैं ताकि मैं जल्दी, जैसे ही वो आए, तो उनको लाइव ले पाऊं. और आप सबकी एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है, इवन आई एम एक्साइटेड, आई एम गेटिंग गूज बम्स. सो जल्दी से ये सेशन हम शुरू करते हैं. लेट आना इस परंपरा, सुमेधियन इज टेलिंग, बट वी विल वेट फॉर हिम. यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. सुमेधियन फैन जोन. हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं एक्चुअली उनको पूछ पूछ पाऊं, विच मेक सम सेंस, प्लीज ऐसे क्वेश्चन मुझे बताइए. थोड़ा ध्यान कमेंट्स की तरफ रखे. जी बिल्कुल, मैं आपके ये जो फैन है उनके उनके तरफ से बता दूंगी कि कमेंट्स की तरफ थोड़ा ध्यान रखे. आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. लेट मी चेक. यस, ये सवाल काफी लोगों का है कि हाउ इज ही सो मच क्यूट. अच्छा, तब तक मुझे ये बताइए कि आपको उनका कौन सा कैरेक्टर पसंद है. आई मीन, अभी कृष्ण वाला कि यू लाइक हिम डांसिंग, क्योंकि उनकी शुरुआत तो डांसिंग के करियर से हुई थी, तो आपको वो सबसे ज्यादा कौन से अंदाज में पसंद है.
वी विल डू दैट, स्प्रेड ऑप्टिमिज्म. वो बोल रहे हैं कि एक लाइव मल्लिका के साथ, राधा के साथ भी किया जाए, डेफिनेटली वो भी प्लान करते हैं हम. कृष्ण ऑलवेज ओके. सो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण उनका फेवरेट अंदाज है. कृष्ण डांसिंग एंड एक्टिंग बोथ? नहीं, लेकिन आज मुझे एक ही जानना है, कौन सा मोस्ट फेवरेट, टॉप फेवरेट कौन सा है? कृष्ण गोपाल एवरी रोल. अच्छा, तो फिर कृष्ण में से कोई फेवरेट उनका, उनकी कोई लाइन जो आपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में रखी हो, कि फिर इंस्टाग्राम के स्टेटस में ऐसी कोई उनकी लाइन, कृष्ण की फेवरेट लाइन? गोपिका इज वेरी क्यूट. ऑल नहीं, ऑल नहीं जानना मुझे. अगर फैन हो तो फिर थोड़ा चूज करके बताइए मुझे. गोपिका ओके, प्लीज ऐड हिम. यस हनी, इट्स हनी जो मुझे कह रहे, प्लीज ऐड हिम, आई एम वेटिंग. और आपसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूं कसम से. जब से मुझे ये पता चला है कि आई एम गोइंग टू डू लाइव विथ हिम, ऐसे चैन नहीं पड़ रहा, यहां वहां दौड़ रही हूँ, बिकॉज आई एम सो मच एक्साइटेड. प्यार और मोहब्बत के बीच में डिफरेंस, राधे राधे वाला लाइन, राधे राधे वाला लाइन. अच्छा, हेलो राधा कृष्ण 1827. हेलो 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 सुमू, आ जाओ सुमू. यस पूर्णा, कई सारे लोग ये लाइन उनकी फेवरेट बता रहे, हम हमेशा की तरह लेट है वो. राधे राधे. यस आप भी जाओ, अब हम भी कह रहे हैं कि आप भी जाओ. सो ये जो पूरी सुमेधियन की ये जो आर्मी है, ये कहां से है बताओ? और यहां भी हेलो हेलो, यू आर ट्रू सुमेधियन, सो आई. अच्छा, ये जो मुझे अलग अलग नाम देखने मिल रहे हैं आज इंस्टा आईडी, आज तक मैंने जितने अलग अलग यूजर नेम नहीं देखे उतने सारे मैं आज देख रही हूँ. और कॉमन क्या है पता है? सुमेधियन नहीं, लेकिन ये तो है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग, ये जो कृष्ण के अवतार के बाद बनी है, जो फैन है उनके, इट्स अमेजिंग, इट्स नेक्स्ट लेवल, इट्स नेक्स्ट लेवल. स्नेहा दी, प्लीज टेल माय नेम स्नेहा, हाउ आर यू? यस हिज स्माइल, ओ माय गॉड. नहीं, जब तक ऐसा होता है ना कि ऑपोजिट जेंडर वाले जो होते हैं वो आपके फैन से, सपोज लाइक जो फीमेल फैन उनकी है तो वो डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन ऐसे भी कई है लड़के कि जो उनके फैन है. सो दैट इज अ ट्रू अचीवमेंट आई थिंक. आई एम फ्रॉम सोलापुर. ओके, आई एम फ्रॉम बिहार. ओके, सो आई एम वेटिंग. मुझे अगर उनकी रिक्वेस्ट अभी तो मुझे नहीं दिख रही है, ये जो मतलब अलग अलग लोग मुझे रिक्वेस्ट अभी भेज रहे हैं, फिर मैं उनकी रिक्वेस्ट नहीं देख पाऊंगी, इसलिए प्लीज अभी के लिए चिल डाउन. हम अलग से एक लाइव करेंगे जहां सिर्फ हम लोग ऑडियंस के साथ मैं चिट चैट करूंगी. फिर मैं देख नहीं पा रही हूं कि एक्चुअली वो आ गए हैं कि नहीं. सो प्लीज ये मुझे जो रिक्वेस्ट भेज रहे, लेट्स 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 चिल डाउन. ये सब कमेंट भी कर सकते हैं. ही इज हियर ऑलरेडी, लेकिन इफ सुमित, इफ यू आर हियर तो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, या फिर आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट सी योर नेम एनीवेयर. ओके,
यस, लेकिन आई ट्राइड कनेक्टिंग हिम, मैंने अभी जस्ट उन कनेक्ट किया है। हेलो, हेलो आई एम हेलो सॉरी, हेलो। यहाँ पे थोड़ी प्रथा है, जब हम लाइव जाते हैं अच्छा, उससे 1 घंटा पहले यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क चला जाता है। इट्स वेरी मच फाइन। पहले तो कैसे आप, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग एट योर प्लेस? चला गया। हेलो, कैन यू हियर मी? आई कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? काफी सारे लोग हाय हेलो लिख रहे हैं, लेकिन आई कैन नॉट एक्चुअली सी हिम। अभी जो उनका वीडियो है वो पॉज हो गया है। गाइस, कैन यू सी मी क्लियरली, और कि फिर यहां से प्रॉब्लम है सो दैट आई कैन नो? ओके, सो आई विल कनेक्ट हिम अगेन। ओके, सो आई वाज ऑडिबल, तो जस्ट जस्ट वन मोर ट्राई। देखो, उनकी लैंग्वेज में भी ये कृष्ण वाला आ गया है कि यहाँ पे वो प्रथा है। ओके, सो हेयर इज वन मोर ट्राई, फिंगर क्रॉस कि इस बार हम ठीक से बात कर पाए उनके साथ। हेलो, क्या मैं अब देख रहा हूँ सबको? यस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग एट योर प्लेस? कुछ नहीं, पिछले आधे घंटे से मैं थोड़ा त्रस्त था कि वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है और क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। अब थोड़ा सही लग मौके रहा है पे ये वाईफाई हॉटस्पॉट धोखा सब दे कनेक्ट देता है करने में। ना। अभी चल रहा है लाइव या मतलब और अभी डर वाईफाई लग का भी गया सही, एकदम नेटवर्क सही मौके इश्यू पे गायब हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, हाय, इज द सेम प्रॉब्लम हैपनिंग अगेन? गाइज, आप लोग मुझे बताते रहिए तो मुझे पता चले कि कौन सा वीडियो यानी सही चल रहा है, तो यू नो वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। ओह, सो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट एक झलक तो मिली तो थोड़ा सुकून मिला है। बट अगेन विल ट्राई एंड कनेक्ट। यस प्लीज, आपके जो सही सही वाले क्वेश्चंस है वो मुझे गो लाइव। वी विल कीप ट्राइंग। 3, 2, 1। हाय, क्या अब सब ठीक है? क्या लग रहा? हाँ, अब अभी तो अरे ठीक है, यार, फिंगर क्रॉस। आई कैन सी यू राइट नाउ, आई कैन। ओके, सो बहुत सारे लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं, लेकिन द नेटवर्क इश्यू, इट्स अ बिग डील हाल हियर। तो बहुत बुरा लग रहा है जिस हिसाब से नेटवर्क ने धोखा दिया है यहाँ पे। नहीं, पर इट्स, हम कर्म हेलो करते गाइस, जाते, मिल जाएगा हमें भी फल। हाय, एवरीवन इज सेइंग हाय एंड हाउ आर यू। आई थिंक फर्स्ट टाइम में वो ऑडिबल नहीं था। सेम सेम थिंग हैपनिंग। शुड आई ट्राई कि मैं ये सेशन बंद करके फिर से एक दूसरा सेशन चालू करूं, तो क्या कुछ बात बन पाएगी? यस, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। नो, ही इज नॉट लुकिंग घोस्ट। सो इज दैट एन ऑप्शन कि मैं फिर से ये जो सेशन है वो बंद करके एक नया सेशन मैं शुरू करूं? लेकिन अगेन वो रिस्क है कि कब वो फिर ज्वाइन करेंगे।
अरे यार इतना जल्दी हार मत मान लो, करेंगे हम थोड़ा, ये नेटवर्क इश्यू, यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप क्यों आए हैं लाइव थोड़ी देर के बाद? हाँ बिल्कुल, राधे कृष्ण तो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अंदर की बात आज जानते हैं ना, उनकी कहानी के बारे में। लव यू कृष्ण द इमोशनल ईच एपिसोड। ओके, मैं ये जो मैसेज है मैं डेफिनेटली उन तक पहुंचाऊंगी। मेहर मेहर, यस, नेटवर्क इश्यू, यस नेटवर्क इश्यू, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी विल ज्वाइन विथ हिम सून। प्लीज ट्राई अगेन। आई डोंट नो, शुड आई एंड दिस एंड एंड स्टार्ट अ न्यू सेशन? हाय हाय हरीश, आई लव राधा कृष्ण, यस। ओके, सो वापस लाइव में आने वाले हैं, फोर्थ टाइम। ओ फोर्थ टाइम, हाय, गो लाइव। ओके, सो हियर वी आर गोइंग वन मोर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल पूछूंगी। आई क्या मैं दिख कैन रहा सी हूं? दैट फेस, यस बिल्कुल, हाँ, अब मैं आप दिख पिछले रहे हैं। आधे घंटे से ऐसा ही हूं। तो ये जो पाकिस्तान का शायद नसीब है। बैकग्राउंड है, तो ये वही है जो मैंने लास्ट रील में देखा था। इज दैट द सेम बैकग्राउंड? यस, जहां पे बहुत सारे सॉरी, ऐसे अभी हम पिक्चर कनेक्ट हैं। हुए हैं बट अनफॉर्चुनेट हम कनेक्ट हुए हैं बट अनफॉर्चुनेटली आपकी यू आवाज कैन थोड़ी नॉट कट हियर हो रही मी। है यहाँ पे। ओके, हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, हाँ जी, आप ऑडिबल हैं। सो मुझे ये पूछना था कि ये जो वॉल है, जब ये वही है जो लास्ट रील में हमने देखी है, बहुत सारे यानी अलग अलग पिक्चर्स हैं और आप यू नो अवतार बदल बदल के आ रहे हो, इज इट द सेम वॉल? नहीं, ये वो थोड़ी राइट साइड में, यहाँ से राइट लेके सीधा जाओगे तो वो आती है, तो ये वो अच्छा, जगह नहीं है, बट मेरे घर में सब जगह पे है, तो ऐसा कोई रूम नहीं है जिसमें ये नहीं है। ये पेंटिंग नहीं है। हाँ, लाइक ऐसे घर में हर जगह पे लगे हैं, लाइक दे आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, बाजू में भी, बाकी के रूम में भी, बट आई आई डिडंट थिंक कि मैं यहाँ पे लाइव करूंगा क्योंकि नेटवर्क अब यही आ रहा है, इसलिए मैं घूम घूम के यहाँ मिला, मैं यहाँ आ गया। नहीं, इट्स बेटर दिस वे राइट नाउ। नेसेसिटी यार। सो सुमित, पहले तो फैंस सब पूछ रहे कि हाउ आर यू, हाउ इज ही डूइंग, एंड सब अभी घर पे सब लोग एकदम खैरियत है ना? नहीं, एवरीथिंग इज गुड अराउंड मी एज ऑफ नाउ। माय फैमिली इज हेल्दी, दे आर वैक्सीनेटेड, मेरा भी अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, एंड आई एम हेल्दी एज ऑफ नाउ। द पीपल अराउंड मी टेकिंग केयर लाइक दिस, तो चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड एज ऑफ नाउ। अच्छा, लेट्स सी आगे क्या है। आई नो दीज आर टफ टाइम्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ, तो चल रहा है अभी। होप इट स्टे सेम एंड होप कि सब लोग ठीक ही रहे। या सो पहले तो मुझे था कि मैं यू नो एक माइंड में एक थॉट था कि मैं इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन करूंगी, लेकिन अब मुझे ना आपको देख के बहुत सारे ऐसे नाम याद आ रहे हैं, तो मैं किस नाम से आपको बुलाऊं? पहले तो सुमित की, रघुवेंद्र के, फिर कृष्णा, व्हाट नेम शुड आई गिव यू इन दिस लाइफ? नहीं, कॉल मी सुमित, बिकॉज बहुत प्यार से घर वालों ने नाम रखा है। आप प्यार से बहुत यस, सारे लोग सो दैट बहुत कम्स कुछ फर्स्ट। बुलाते हैं, बट इट्स अप टू यू, वी आर कोई भी। आपका फेवरेट कौन सा रहा, सो आप उसके हिसाब से बुला सकते हैं। आई थिंक सुमित जो पहला है, जहां से शुरुआत हुई है ना? हाँ, तो शुरुआत से मुझे ये याद आता है कि आपकी जो जर्नी रही है वो यू नो एकदम डायरेक्शन दोनों, जो अभी आप जहाँ पर हो और जहाँ से आपने शुरू किया था, डांस महाराष्ट्र डांस, उसके बाद डांस इंडिया डांस, दिल दोस्ती डांस, तो डांस और ये पूरा एकदम अलग है। तो वहां से सुमेध से लेकर ये कृष्णा तक की जर्नी, पहले तो जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। कृष्णा
एक्चुअली बचपन में होता है ना, हमको लगता है कि हमें ये बनना है, तो वो रोज हाँ बदलता था। कभी मैं सनी देओल की कोई मूवी देखता था, मुझे लगता था मुझे सोल्जर बनना है, फिर तो दूसरे दिन मैं कुछ और देखता था, मुझे लगता है एस्ट्रोनॉट बनना है, मून पे जाना है, तो कोई कुछ बोलता था, मुझे लगता नहीं मुझे ये बनना है। तो ये सब चीजें बहुत टाइम तक चलती रही। एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि यू नो लेट्स लेट्स ट्राई दिस। यू नो स्कूल में थोड़ा अप्रिशिएशन मिला डांसिंग के लिए, सो आई स्टार्टेड डांसिंग अच्छा अपने से खुद से। तो यहाँ वहाँ अच्छा लोकल कॉम्पिटिशन में जाके परफॉर्म करता था। सो द फर्स्ट परफॉर्मेंस विच आई डिड बहुत कुछ नहीं था उसमें, जो हम टीवी पे देखते हैं ना कि लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने कोई गाना देखा, डर्दे डिस्को, कोई वो गाना था जिसको मैं फॉलो करता था एग्जैक्टली। तो हाँ अगर शाहरुख खान ये कर रहे हैं, बाल संवार हैं, तो मैं भी बाल संवार रहा हूँ डांस में ऑन स्टेज। तो देर वॉज नथिंग गुड अबाउट दैट परफॉर्मेंस अदर देन एफर्ट। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते डांसिंग में आई ट्राई ट्राई ट्राई। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू एक्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, बट कभी इट्स नॉट ईजी टू गेट इन टू एक्टिंग। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि कौन कौन मुझे चांस देगा और क्यों देगा, फॉर वॉट रीजन। बिकॉज टिल नाउ मैंने जिनको देखा है, यू नो पीपल आर वेरी हैंडसम एंड दे आर अमेजिंग, पीपल हैव गॉट अमेजिंग पर्सनैलिटीज एंड दे गेट दैट वर्क। आई थॉट कि मुझे कौन खड़ा करेगा, क्यों खड़ा करेगा। बट डांसिंग के साथ जर्नी ऐसी गई। फर्स्ट रियलिटी शो मैंने किया डांस मास्टर डांस, एंड वो भी मुझे लगा कि कैसे वैसे पार हो जाएगा, बट लकी आई वेंट टिल द फाइनल्स। आफ्टर दैट आई वर्क हार्ड अगेन। मुझे एक एक, एक छोटी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो मैं कर नहीं पाया, तो मैं दुखी हो गया था। बट लेटर आई रियलाइज दैट दैट हैपेंड फॉर द गुड, सो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छा था मेरे फ्यूचर के लिए। तो मैंने डीआईडी किया उसके बाद, एंड देन करते 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 अच्छा मुझे पता था कि D3 ही मिल सकता है, नहीं तो और कोई तो एक्टिंग के लिए इसको चांस देगा नहीं मुझे, क्यों देगा, मतलब सब जेन्युइन है वो अपनी जगह पे। तो D3 मिला, एंड वहां से हर शो के एंड तक मेरा एक टारगेट रहता था कि हमें इतना वैल्यूएबल बनना है या इतना कैपेबल बनना है कि इसके आगे के स्टेज के लिए हम रेडी रहें। तो D3 में आई जस्ट मेड माई सेल्फ दैट कैपेबल, दैट वॉज माई जर्नी थ्रू आउट कि आगे जाके अभी डांसिंग के लिए मुझे ये मिला है, बट हाँ थ्रू आउट एन एक्टर, अ कंप्लीट एक्टर, एक कंप्लीटली एक एक्टिंग शो व्हिच इज नॉट इन्वॉल्व्ड ऑन डांस, ऐसा कुछ अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं उसे कर पाऊँ, तो उतना मैं अगर बन पाऊँ तो दैट्स माय टारगेट एज ऑफ नाउ। तो D3 में वो था, एंड देन अशोका में आने के बाद आई प्लेड नेगेटिव, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ मेन लीड, जो हम सब सोचते हैं कि बनना है मेन लीड। हाँ एंड देन आई सेड दैट अभी यहाँ पे जितनी भी जर्नी है 1.5 साल की, उसमें इतनी एक्टिंग सीखने की कोशिश करते कि आगे जाके सीधा मेन लीड कर सके। यू डोंट नो व्हाट व्हाट रियली हैपेंस इन लाइफ। मैं वैसे भी 18-19 साल का था, मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सो द ओनली थिंग विच आई हैड इन माई माइंड इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सो आई ट्राइड दैट। उसके बाद थोड़ा एक डाउनफॉल भी आया, जहाँ पे बहुत टाइम तक थोड़ा टफ फेज था मेरी लाइफ का, बट दैट वेंट वेल। उस टाइम पे मैंने मेरे पास 3 ऑप्शंस थे कि मैं क्या करूँ। पहला ऑप्शन ऐसा था कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर एक्टिंग एंड फॉर दिस करियर, सो आई शुड जस्ट क्विट दिस, गो बैक एंड ट्राई फॉर सम अदर जॉब। सो पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया, तो मैंने बोला थोड़ा टाइम वेट करते हैं, थोड़ा इतना सही नहीं लग रहा है थॉट। तो दूसरा थॉट आया कि मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट गो एंड चिल फॉर अ व्हाइल, तो द वर्क इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स मी, सो मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू बैक ऑफ एंड एंजॉय सम टाइम विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गो एंड चिल। ये दो ऑप्शन थे। फिर मैंने और सोचा, थोड़ा पेशेंस लाया, और थर्ड ऑप्शन मुझे मिला जो मुझे लगा कि वो बेस्ट ऑप्शन था, कि अभी अगर काम नहीं है सो वाई नॉट इम्प्रूव आवर स्किल्स, कि जब आएगा काम तो वी परफॉर्म इन सच अ वे दैट वी एक्सेलेंट, एंड वो परफॉर्मेंस ऐसा हो कि लोग जो है उसको अप्रिशिएट करें, जिससे और काम आए। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवीज एंड एवरीथिंग एंड ट्राइड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ऐसा करते करते फिर यहाँ तक पहुंचाऊंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। ओ आई आई एम वेरी श्योर कि आगे की जर्नी आपकी ऐसी ही ब्यूटीफुल एंड यू आर गोइंग टू एक्सेल. सो बेसिकली यू टुक बेबी स्टेप्स. आपने हमेशा ना छोटा 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 करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं. बस या दैट्स यू नेवर श्योर, आपको पता नहीं है ना इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या होता है। दिस वन थिंग आई ट्रू. ऑलवेज बिलीव इन इज वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड या एंड स्टे वाइज अबाउट इट, बिकॉज नथिंग एल्स इज इन आवर हैंड्स, यू नो नथिंग एल्स इज इन आवर हैंड्स। आज भी जितने लोग देख रहे होते हैं, 8,000 पीपल, समटाइम्स देयर 20,000 पीपल, समटाइम्स देयर 2,000 पीपल, सो इट्स नॉट इन योर हैंड्स, राइट? सो ऑल दैट राइट मैटर्स राइट इज दैट यू नो
जो अपने हाथ में है, लाइक 8,000 लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट द फैक्ट। वैसे ही अगर काम कर रहे हैं हम, तो आज अगर इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है तो अप्रिशिएट द फैक्ट, इम्पोर्टेंट रोल है तो अप्रिशिएट द फैक्ट। तो हर एक चीज अप्रिशिएट करते करते और डिजायर करते करते तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है। समझ नहीं पाता मैं क्या होता है लाइफ में, चल रहा है। ये जो थॉट प्रोसेस जो है आपकी एकदम ब्यूटीफुल, जो अभी यानी ये जो जनरेशन है उसमें एक्चुअली उसको उसपे वर्क करना, कि ये थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना वो थोड़ा टफ है, बिकॉज पीपल यू नो दे आर नॉट हैविंग दैट मच पेशेंस जिसकी आप बात कर रहे हो. तो ये जो थॉट है ये पहले से यानी थोड़ा तो था, और मे बी इसकी वजह से आपको अभी जो कैरेक्टर मिला है कृष्ण का, यू आर डूइंग दिस ब्यूटिफुली, क्योंकि वो अंदर आपके अंदर ऐसा एक एक पार्ट है विच यू नो इंस्पायर्स यू कि दिस इज मी समवेयर. द थिंग इज कृष्ण इज एवरी वन, राइट? वो हर एक के अंदर है। लाइक व्हेन यू फील, अभी एक है कि डेफिनेटली आई वाज अ डीप थिंकर सिंस द स्टार्ट। तो एक चीज बहुत इंसान को नीचे खींच के मुंह पे गिराती है, और वो एक चीज है कि आप, मैं तो हमेशा अपने थॉट्स को लेके क्लियरली बात करता हूँ, ये करता हूँ, बट नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड दैट। तो लोग कुछ आपको डिमोटिवेट कर देंगे, यार कुछ भी सोचता है, ज्यादा सोचता है, ये करता है। अभी कुछ लोग शायद आपके कंसर्न के लिए बोलते हैं, कुछ लोग आपको गिराने के लिए, या आपकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती तो किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं। बट वो चीज जब अफेक्ट होती है ना, जो मुझे कई बार होती है, तो बहुत पीछे खिंच जाता हूँ, वो होता है। बट यहाँ पे आने के बाद, कृष्णा प्ले करने के बाद, तो इट्स लाइक अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर। इट फील्स वेरी आई बिलीव पॉजिटिव, बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत पीसफुल होने की एक राह पे बढ़ जाता हूँ मैं, जब मैं कृष्ण बहुत दिल से प्ले करता हूँ। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट गेट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज नॉट यू, है ना? आपकी लाइफ हाँ में सुमित का रोल, लाइफ में सुमित का रोल आज तक अलग रहा है, आगे भी अलग रहेगा। सो कृष्ण का जो ऑरा है वो सेट तक लिमिट रहे, उसके आगे, क्योंकि इसके आगे देर बी अ कम्प्लीट जर्नी ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस कैरेक्टर एंड पोर्ट्रेट। तो सब एंगल से सोच के देख रहा हूँ। सो यू आर, एज यू सेड, यू आर नॉट जस्ट वन कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे यहाँ से अलग अलग कैरेक्टर से आप इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड दैट मेक्स सुमेन, नहीं दैट्स लाइक ब्यूटिफुल. इवन, बट दैट कम्स फॉर एवरीवन ना। लाइक एक्टर्स भी, आप बहुत सारे एक्टर्स से बात करोगे, बहुत सारे माइंडफुल एक्टर्स होते हैं जिनसे जब मैं बात करता हूँ, तो उनका भी यही कहना होता है कि एक्टिंग आप आपके आसपास से देखते हो, यहाँ से यू ऑब्जर्व द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाट यू एक्ट। अभी हर बार तो वो सिचुएशन हम पे आती नहीं, अभी कभी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है, कभी लोगों का चाल ताल। तो जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं राधा कृष्ण में, उसमें भी बहुत सारे लोगों को मैंने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा उसमें डाला है, या कुछ कहीं का एक अच्छा मेमोरी होती है, कुछ इमेजिनेशन होता है, वो सब करके डाला है। एंड इट वॉज लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लगता कि आगे जाके लाइफ में मुझे ऐसा कोई शो मिलेगा जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स करने मिलेंगे। ट्रू 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 ट्रू. ये सो आपने ये तो बताया कि हाउ टू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये कृष्ण के कैरेक्टर में आप इन कैसे हुए थे, यू नो, बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर की पीपल आर गोइंग टू वर्शिप यू. अगर आप वो बाहर भी कोई देखता है, दे आर नॉट गोइंग टू कॉल यू सुमेर, दे आर गोइंग टू कॉल यू कृष्ण, हुआ होगा आपके साथ भी. तो ये कैरेक्टर में आप हाउ हाउ डिड यू वेंट इन दिस कैरेक्टर? आई थिंक सो द लॉट्स ऑफ थिंग्स के जब पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, वो तो डेफिनेटली है। बट यू नो द रियल जर्नी इज फेल्ट इनसाइड। यू नो व्हेन यू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ द फ्लॉज दैट यू फील, राइट? कि आपको एग्जांपल, बेसिक ह्यूमन नेचर, एंगर हो, जेलिसी हो, इनसिक्योरिटीज हो, ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इरिटेशन हो, पेशेंस की कमी हो, ये सब चीजों पे आप जब एक्चुअली वर्क करते हो ना, तो कृष्ण के कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत आसानी होती है, एंड दैट लुक्स गुड ऑन स्क्रीन। वो दिखता है, वो इट 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 इज विजिबल। क्योंकि व्हेन यू आर वेरी कंप्लीटली लाइक पेशेंट एंड पॉजिटिव, वो भी कभी कभी जब अंदर मैं कंप्लीट पेशेंस, एक शांति एंड पॉजिटिविटी फील करता हूँ, वो दिखता है स्क्रीन पे, अच्छा लगता है। वही जब नटखट नटखटपन की बारी आती, तो वो तो मुझ में बचपन से है, सब में होता है, मेरे ख्याल से होता होगा, मेरे में तो है। तो वो बस मैं खुद को रोकता नहीं, वहां पे मस्ती करता हूँ।
तो शुरुआत में हम तो सेट पे और मस्ती करते थे, तो उस जोन को बरकरार रखने के लिए तो बहाना भी मिल जाता था, और सबके सबको सताने का, मस्ती करने का, और सब भी खुश रहते थे, अच्छा लगता था। हम बहुत मस्ती करते थे सेट पे, वहाँ स्केल के काम भी निकल जाता था। एवरीबडी वॉज हैप्पी, वी वर हैप्पी, एंड डेफिनेटली हमारे क्रू का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें। एवरीबडी इज वेरी पॉजिटिव। डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। ये जो आपने बताया कि नटखट पार्ट जो आपने पहले से ही था, जो अभी तो अगर मैं लाइव देख रही हूँ, अगर मुझे सच बताना हो तो आई सी अ वेरी डिसेंट पर्सन जिसमें मुझे वो नटखट वाला पार्ट ढूंढना पड़े। तो अब आप ही मुझे हेल्प कीजिए, यू ओनली से विच वॉज द मोस्ट नटखट पार्ट जिसके लिए मे बी कृष्ण बनने के बाद भी आपको यू नो आपके बड़ों से डांट पड़ती हो शायद। ऐसे तो होते रहते हैं वो सब चीजें मेरी लाइफ में, जहाँ पे बट बहुत टाइम से डांट नहीं पड़ी मुझे, तो जब घर घर वाले नहीं डांटते तो जिंदगी डांटती है, ये तो डेफिनेटली होता है। एक होता है ना कि हम नहीं, वो तो लाइक यू विल गेट लर्निंग, यू विल गेट पेड, यू नो जो आप करते हो यू यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। अगर आप गलती करते हो तो आपको वो भी मिलेगा, आप सही करते हो तो आपको उसका भी फल मिलेगा, वो तो मिलता है। अभी बचपन में क्या होता था, कुछ भी चीज होती थी तो घर वाले डांटते थे, ये मत कर, ये किया तो मैं मारूंगी, या तो ये किया तो मैं चॉकलेट दूंगा। जब मॉम डैड से अलग होके आप लाइफ जीते हो ना, तो लाइफ बोलती है तू ये करेगा तो मैं अपने हिसाब से तेरी क्लास लूंगी, तू देख ले, या तो तू अच्छा करेगा तो मैं अपने हिसाब से तुझे रिवॉर्ड दूंगी, देख ले। सो इट्स लाइक यू विथ योर सेल्फ लर्निंग थिंग्स, वो चीजें अभी हो जाती है एक पॉइंट के बाद लाइफ में होती है। बिल्कुल, मुझे ना आपके अपीयरेंस के बारे में भी जानना है कि वो लाइफ जब तक आप सिर्फ डांसर थे तो वो जो पूरा कॉस्ट्यूम होता है वो एकदम फंकी, यू लाइक दैट रेड शूज एंड येलो शूज, और फिर ये जो आपका अवतार एकदम से चेंज हुआ, वो मेकअप, वो कॉस्ट्यूम, सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट एक्सपीरियंस, अलग होता है थोड़ा, डेफिनेटली अलग होता है, है क्योंकि ना? हाँ आप एज ए डांसर जब तक डांस की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आप धोती नहीं पहनते हो यूजुअली। तो मैं भी घर पे ऐसे अभी अच्छा पहनता नहीं था, तो अशोका में पहली बार मैंने पहनी, एंड शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है, चाहे डिक्शन हो चाहे कॉस्ट्यूम हो, थोड़ा ऐसा लगता है गड़बड़ है यार, क्या ऐसे कैसे घूमे, जैकेट लो, तो वो सब होता है, बट देन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट यूज्ड टू इट। हाँ, सो अभी फिर लाइक वो यू आर करके वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट मेकअप एंड इनिशियली इट्स नॉट लाइक व्हेन यू आर डांसर, जब आप डांसिंग में, या मेरा पहले का लाइफ अगर हम एग्जैक्टली करें, तो मैं ऐसे किसी को देखता नहीं था विग पहन के बैठा है या धोती पहन के बैठा है, इसने मूछ लगाई, इसने दाढ़ी लगा के बैठी है, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सडनली आप देखते हो एक एक्टर है, मूछ लगा के बैठा है, आपसे बात कर रहा है, कोई विग लगा रहा है, बोलते अरे बाद में करते हैं, बाद में लगाते हैं मेकअप ज्यादा है, ये वो, कोई धोती पहन के बैठा है तो कोई ज्वेलरी पहन के बैठा, तो थोड़ा शुरुआत में ऑकवर्ड फील होता था क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था, लाइफ कम्प्लीटली अलग थी जब मैं एज एन एक्टर आया। तो अशोका में तो पहले 6 महीने तो समझ में निकल गए कि चल क्या रहा है, बट आई फिगर्ड इट आउट समहाउ एंड इट वेंट वेल, आई लर्न्ड अ लॉट इन अशोका, एंड लाइक वो इनिशियल पार्ट था, एक एक्टर को क्या करना चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्या नहीं, आई लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मुझे ये जानना है कि अभी जो आपकी ये जो फीमेल फैन फॉलोइंग जो बढ़ रही है, इट्स इन इनफिनाइट आई थिंक, पहले से ही थी बिकॉज आई न्यू, आई वॉच्ड दैट दिल दोस्ती डांस, वो मेरी भी फेवरेट सीरियल हुआ करती थी, तो तब तो मुझे पता ही था कि यू आर स्टीलिंग ऑल द अटेंशन बिसाइड्स स्वयं एंड एवरीवन, बट स्टिल अभी जो है वो तो यू नो यू आर ऑन नेक्स्ट लेवल, लाइक गर्ल्स गो ऑल गागा ओवर यू, सो ये आप फीमेल फैन फॉलोइंग कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं है क्या जवाब दूं इसका मैं, बट ऐसा नहीं है, मतलब लाइक पीपल इट्स 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 अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समटाइम्स आई कांट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली, लोग होते हैं, एंड वंस यू बिकम समथिंग विच इज फेमस यू हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड यस आई एम नॉट राइट, लाइक दिन में 100 ख्याल तो काम को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, इन सब चीजों को लेके रहते हैं, फिर 100 ख्याल फैमिली को लेके रहते हैं, 100 ख्याल अपने खुद के रहते हैं, कुछ और थॉट्स रहते हैं, तो हर एक चीज बैलेंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है एक पॉइंट के बाद। सो कहीं कहीं मुझे लगता है कि आई कुड हैव डेल्ट इन अ बेटर वे,
बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट लव, लोग प्यार कर misguide anyone, you cannot misuse anyone, you cannot spread negativity among people, you have to take care as much as you can, जितनी चीजों के भी आप ध्यान रख सकते हो अपने साइड से. लोगों को लगता है इट्स वेरी गुड, अरे देखो इसके पीछे तो कितनी लड़कियां फिदा है, ये है वो, वैसा नहीं होता. द पीपल अडोर यू फॉर योर हार्ड वर्क, फॉर योर लव, फॉर एवरीथिंग, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट. यू नो यू कैन आइदर बी अ गाय who's loved by people and he's misusing the love, you know, whether it be from people, whether it be from women, he can misuse that. And you can be a guy who can be responsible and focus on your career and move on. So I choose the second. So I think ये ना आज भी दिखा कि जो आप ये hard work में believe करते हो, एक responsibility जो आप मानते हो, अभी भी जैसे you are like 5 minutes you came, you know, later, तो आपको वो feel हुआ कि you are late and you आके तुरंत ही आपका वो face. So I think it's very clear कि you have your mind clear in some things and you are that responsible वाला part. तो अभी जो आपने बोला ना ये नटखट वाला पार्ट, तो आई डोंट थिंक कि वो आपको कहीं अब हार्म कर रहा है या यू नो वो कहीं बीच में आ रहा है. नहीं नहीं नटखट नटखट होना गलत तो बिल्कुल नहीं है, मतलब उसमें बिल्कुल नहीं. यस यस, यू कैन जस्ट बट यू आर वेरी क्लियर कि मुझे ये करना ही है एंड दिस इज लाइक योर थॉट्स आर वेरी क्लियर क्लियर. उन्हीं जो अभी 24 साल के होंगे, अभी नहीं होंगे, कब होंगे? नहीं, लेकिन मे बी इट्स योर, आई थिंक 24 साल वाली ही उम्र है. इट्स मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड यू नो इट्स टफ टू स्टे ऑन दैट ट्रैक, बट आई ऑल द वेरी बेस्ट कि आप यहीं पे रहो और बहुत सारे लोगों को ऐसे इंस्पायर करते रहो. नाउ सुमित, वन क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, आई डू अ शो हम तुम जो मेरा नाइट शो है और उसमें पुराने गाने बजते हैं, रेट्रो सॉन्ग्स, तो मैं कई बार सॉन्ग्स की ट्रिविया और वो सब देती हूँ. तो वो मूवी था हरे रामा हरे कृष्ण, तो उसमें ना जिन्नत अमान और देवानंद ने भाई बहन का रोल किया था. तो ये भाई बहन के रोल के बाद जिन्नत जी को सिर्फ ये बहन वाले रोल मिल रहे थे, तो फिर देवानंद को फिर से आना पड़ा एंड ही वॉज हर मेंटर. तो उन्होंने फिर ये फिल्म बनाई हीरा पन्ना ताकि जिन्नत जी की इमेज चेंज हो, क्योंकि उनको वही सिस्टर वाले रोल्स मिल रहे थे. सो आई यूज दिस मेटाफर बिकॉज मुझे ये जानना है कि अब आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या, क्योंकि यू आर सो मच गुड इन दिस रोल कि ऐसा हो रहा है कि अब जो भी आपको रोल ऑफर हो रहा है तो इट्स लाइक कृष्ण वाले, इट्स समथिंग अराउंड दैट, यू आर नॉट गेटिंग दैट अब सुपर हीरो मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, ऐसे कोई रोल अब आपको कम ऑफर हो रहा है. आर यू फेसिंग दैट? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. डेफिनेटली मुझे इस चीज का डर था, लेकिन कि शायद पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था मैं पोर्ट्रेट कर पाऊंगा या नहीं, तो मेरा ध्यान उस पे था. एंड देन एज people started liking and giving love to it, I felt good. After a point of time, I remember a person said to me कि तू अगर कृष्ण का रोल करता है और अगर पब्लिक तुझे एक्सेप्ट करती है तो शायद तुझे इसके बाद फिर तू स्टीरियोटाइप हो जाएगा, लोग तुझे उसी में काउंट करेंगे एंड एवरीथिंग. बट देन आई रिमाइंड माई सेल्फ कि उसके पहले किसी और ने भी कहा था अब तेरी नेगेटिव रोल वाली इमेज हो गई तो अब तुझे नेगेटिव रोल ही मिलेंगे. तो मैंने कहा कि ठीक है, हर एक का परसेप्शन है, सोचे कहे एडवाइस दे, इन दी एंड अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको मिलेगा, अगर आप डिजर्व करते हो तो मिलेगा, तो हार्ड वर्क करते रहो. बाय द एंड ऑफ द डे आप, मैं अगर इससे जो भी मेरी आज शक्ल है इससे अगर 1000 times ज्यादा अच्छी भी शक्ल भगवान ने मुझे दी होती तब भी लोग बस कहते कि अच्छा दिखता है, बट वो अंदर से रिस्पेक्ट तभी आती है जब हम हार्ड वर्क देखते हैं. इट्स वेरी इजी टू लाइक इफ यू लुक गुड, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट यू नो द रिस्पेक्ट दैट कम्स विद हार्ड वर्क, द रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आप खुद की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो. इफ यू कांट रिस्पेक्ट योरसेल्फ देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, राइट? आप करते रहो, 100 लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यू क्लूलेस कि क्यों मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हो, मुझे तो कुछ में ऐसा है नहीं. That feels very, ऐसा लगता है ऐसी बिल्डिंग लोगों ने बना के रखी है प्यार की, और उसकी नींव जो है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव है, वो है ही नहीं, वो बचा ही नहीं है. So, सुमित, कभी ऐसा हुआ है कि because, you know, कई बार ऐसा होता है कि you are कृष्ण नाउ, तो काफी लोगों को नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि फिर आपके थॉट्स क्या है. तो जब ये कोरोना नहीं था, आप कहीं भी ऐसे बाहर निकलते हो तो पीपल लाइक एक्चुअली वर्शिप यू लाइक गॉड,
ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ है क्या? नहीं, इन टुडेज डेट थिंग्स आर डिफरेंट. पीपल अंडरस्टैंड दैट यू आर एन एक्टर, एंड डेफिनेटली आप जब भी जाते हो तो मेरा चलने फिरने, मैं ऐसा ही घूमता हूँ. अगर हर जगह कहीं जाता हूँ ऐसे इस कॉस्ट्यूम तो सबको तो पता है अच्छा, कि कोई इस यू आर कपड़ों यू. में नहीं आएगा. हाँ हाँ, सो एंड पीपल नो दैट. अभी लकीली बिकॉज ऑफ माई पास्ट वर्क, पीपल अंडरस्टैंड दैट आई हैव डन समथिंग इन द पास्ट. सो दे नो दैट यू नो ही इज नॉट व्हाट वी सी हिम ऑन स्क्रीन. ही इज एन एक्टर हु इज प्लेइंग द कैरेक्टर. दैट्स ऑल दैट इज. अभी आज के डेट में मुझे नहीं लगता उतना है, बट अच्छा, पीपल आई हैव सीन इन देम कि वो थोड़ा कनेक्ट करते हैं पोर्ट्रियल से. व्हेन एवर दे वॉच द पोर्ट्रियल ऑन स्क्रीन, सम पीपल सेड कि इट मेक्स अस फील दैट वी आर वॉचिंग एक्चुअल श्री कृष्ण, विच इज लाइक मोटिव ऑफ एवरी एक्टर कि हम जो प्ले कर रहे हैं वो कन्विंस कर पाए सामने वाले को. तो वो चीज जब कभी सुनने मिलती है तो अच्छा लगता है. एक सीक्वेंस था जिसके बारे में ना मैंने जनरली भी, अगर हम ऑफिस जाते हैं या बाहर पे, इट वाज टॉक ऑफ द टाउन जब राधे कृष्ण में ये चल रहा था कि यू मेड राधा फील के यू आर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी. जब आपने राधा को ये फील करवाया था तो वो जो पूरा सीक्वेंस था, इट वाज आल्सो वो बहुत फेमस हुआ था. आल्सो आपको बहुत उसके लिए यू नो रिकॉग्निशन मिला था, द वे यू पोर्ट्रेट दैट. तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? यू नो वो पूरा एक एक्सपीरियंस. आई थिंक सो. वो राधा कृष्ण में पूरा जो स्टार्ट का ये था दैट कृष्ण मेक्स राधा रियलाइज व्हाट इज ट्रू लव, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव, व्हाट आर यू, व्हाट एम आई एंड व्हाट आर वी टुगेदर एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लव. आई थिंक सो वो बहुत आई ओपनिंग था हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीजें सीखते थे देख के पढ़ के. आज भी कृष्ण ज्ञान से बहुत सीखने मिलता है. डेफिनेटली. सो आई लाइक दिस प्रोमोज. ये प्रोमोज के पीछे ना कुछ तो राज होगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग ही है. उसकी जो क्रिएटिविटी है वो नेक्स्ट लेवल पे है. और वो सिर्फ उतना देख के बहुत सारे लोग यू नो गेट इंस्पायर्ड कि नहीं यार ये तो मुझे देखना है. सो दैट वो कौन सा उसके प्रोमो? पीछे आई थिंक एवरी आई वुड से एवरी कि अच्छा जो बताता है कि यस एवरी एवरी सो उसके पीछे है, जो भी है. आई एंड माई टीम एट टॉप एफ एम वुड रियली लाइक टू कन्वे दिस मैसेज कि वो जिसका भी थॉट, इट्स वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट. और बहुत सारे लोगों को आई वुड रियली लाइक आवर टीम. यस. सो सुमित, व्हाट इज लाइक योर फ्यूचर, कि अब क्या देख रहे हो आप? जैसे कि आपने अब तक बेबी स्टेप्स से आप बहुत आगे आए हैं, एंड आई रियली होप, आई रियली विश कि आप और आगे जाए. लेकिन वो रोल जो आपका अभी ड्रीम रोल है, जो आपको ऐसा है कि नहीं यार ये तो करना है मुझे, व्हाट इज दैट राइट नाउ इन योर माइंड? आई थिंक सो. द बेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड टू प्ले इज कृष्ण, एंड आई विल से दिस इवन आफ्टर प्लेइंग अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर दिस, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ डायमेंशंस टू इट. आप बहुत तरीके से सोच सकते हो एंड स्टिल यू विल फील कि अरे मैं अब तक समझ नहीं पाया एग्जैक्टली. तो वो बहुत वास्ट कैरेक्टर है. इफ यू एक्चुअली गेट इन टू पोर्ट्रेइंग द एक्चुअल कृष्ण दैट यू नो यू कैन लर्न, तो वो थोड़ा है. बट इसके आगे आई थिंक सो आफ्टर दिस रोल्स ऑफ इम्परफेक्ट कैरेक्टर्स, राइट, नॉट सो परफेक्ट पीपल, समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी नेचुरल, वी सी इट एवरी डे एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस. वैसे कि एक होता है ना कि आपको अगर पता है आफ्टर बीइंग कृष्ण, आफ्टर प्लेइंग कृष्ण, कोई और कैरेक्टर चूज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको आपको तो लगता है कि यार इतनी सिंपल चीज इसको क्यों नहीं समझ में आ रही. यू नो इफ आई पोर्ट्रे विलन टुमारो, इफ ही इज जेलस एंड ही किल समवन, बट ये तो मैं कृष्ण ज्ञान में कितनी बार बोल चुका हूँ कि जेलसी इज नॉट द की. तो ऐसा लगता है वो तो अंदर से कन्विक्शन ही नहीं आता कि इसको मैं अंदर से पोर्ट्रे कैसे करूँ. यू हैव टू फील दैट जेलिसी, कैसे फील करूं? आप तो लगता ही नहीं कि जेलिस फील करना चाहिए, उससे कुछ होता है? इफ एनीबॉडी इज ग्रोइंग यू शुड लेट हिम ग्रो. पर सब ऐसे थॉट्स आते हैं, फिर ऐसा लगता है अब क्या करूं किसी के साथ. तो आई माय माय टास्क वुड बी आफ्टर दिस टू अंडरस्टैंड एंड फील एंड इमोट इम्परफेक्शन जो अब तक श्री कृष्ण में
एवरीथिंग आई पोर्ट्रेड वॉज अबाउट पोर्ट्रेइंग परफेक्शन विद एज ट्रू मच एज परफेक्शन. अभी इम्परफेक्शन विद परफेक्शन पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, इसके आगे जब भी ओ होगा. दैट्स यू ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट दैट एज वेल. जैसे जैसे अभी आपने बताया कि देर इज नाउ अ स्मॉल पार्ट ऑफ कृष्ण इन यू, कि जैसे अब कोई जेलेसी वाला रोल करना है तो यू इनसाइड नो कि अब ये क्यों लोग जेलस फील करते हैं. तो ये जो आप में एक डिफॉल्ट सिस्टम हो गई है, तो इसकी वजह से कभी ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ की जो सिचुएशन सिचुएशंस होती है, बीट पर्सनल लाइफ के फिर फैमिली के साथ, तो बहुत कुछ इजी हो गया है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग आप में आ गई है एंड नाउ यू नो हाउ टू हैंडल लाइफ. एक्चुअली सी इट्स वेरी इजी टू फील कि जब आप कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हो जो मैसिवली इन्वॉल्व्ड है, तो आपको लगता है कि ये इंसान भी कंप्लीटली वैसा होगा. बट थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर 12 आवर्स 13 आवर्स अ डे, यू बेसिकली एक्टिंग 12 13 आवर्स अ डे. उसके बाद आपको मिलते हैं 2 घंटे, देन यू स्लीप, देन यू गेट अप. So you have to balance it in such a way that you have a personal life for yourself, which is also being balanced. Because you are saying dialogues every day, you are portraying Krishna every day, but you have to completely analyze your own life. नहीं तो आप जब छुट्टी होती है आप बैठते हो सोचते हो लाइफ में चल क्या रहा है. तो इट्स नॉट वेरी इजी. सो माई लाइफ एंड सुमित इन हिज लाइफ इट्स नॉट वेरी इजी फॉर हिम. तो वो जित अभी कहना जब कैरेक्टर्स प्ले करते हो तो द एक्टिंग में कम्स आउट. बट मी एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्लॉज, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, इन माय एक्टिविटीज, इन माय बिहेवियर, और मे बी इन माय थॉट्स दैट आई माय सेल्फ डोंट लाइक. बट इट्स अ जर्नी कि धीरे 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 जाके ये करना है. दैट्स समथिंग विच आई नो, True. बट वो So इतना now इन्वॉल्व मैं रियल talking. लाइफ में नहीं हूँ. अच्छा. So अब ये रियल लाइफ की ही बात करते हैं. What is Sumit? Sumit को क्या खाना पसंद है? उसकी ड्रीम प्लेस क्या है? कैसा म्यूजिक पसंद है? What is Sumit? I don't think so. I can recognize myself with the food I eat or where I want to travel. I think so. Life, as much as I have lived, it's different every day. You know, you cannot think and tell yourself that it's gonna be the same. आज जाकर दिन अच्छा गया तो कल भी अगर सेम दिन जाएगा या परसों जाएगा, एक हफ्ता जाएगा तो मजा नहीं आएगा उतना. इट्स ऑलवेज डिफरेंट, राइट? सो आई डोंट नो. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल पिज्जा पसंद है, पानी पूरी पसंद है, रोज वही खाऊंगा तो एक पॉइंट पर नहीं. सो आई थिंक सो इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग न्यू मोमेंट्स इन लाइफ, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सेप्टिंग चेंज इन. दैट्स समथिंग विच इज आई थिंक सो अ बेस ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ. क्योंकि हमको क्या लगता है कि ये ऐसा है, हम इससे यूज टू थे, ये ऐसा है, हम इससे यूज टू थे. सो पीपल अराउंड मी दे ऑलवेज ऑफन कंप्लेन, यू लुक लिटिल चेंज्ड, तुम थोड़े बदले बदले से लग रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो. अभी बहुत लोग बहुत एस्पेक्ट में बोलते हैं, बट कुछ लोग जो इस एस्पेक्ट में बोलते हैं कि तू एज अ पर्सन चेंज होता है. तो आई थिंक सो इट्स नीडेड समटाइम्स इन लाइफ. Sometimes, not a lot of people understand that, but yes, as far as people understand कि सामने वाला चेंज होता है, but वो अंदर से सेम है, you know, he's changing, but things he stands for, it's the same, you know. For example, अगर मैं मॉम डैड की बात बात करूं, तो मैं बहुत चेंज हुआ. मैंने कभी उनको फोन किए हैं कई सारे, कभी मैं बात भी नहीं कर पाया हूँ, कभी मैं बहुत चुप रहा हूँ, कभी मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ, कभी दोस्तों के साथ कहीं दूर दूर घूमने जा रहा हूँ, कभी कहीं नहीं, सिर्फ घर पे बैठ रहा हूँ. दे डिडंट आस्क मी क्या हुआ क्या हुआ, नहीं, दे जस्ट लेट मी बी. राइट. तुमको जो करना है तुम करो सुमेर, तुमको सही लगता है तुम करो सुमेर. मैंने गलत भी किया मैंने, और वो भी उनको पता है कि हाँ ये टेक्निकली गलत है सुमेर के साइड से, बट उनको पता है कि ये उन्होंने एक चीज अडेप्ट की जो मैं अगर पेरेंट होता या मैं अब दोस्त के नाते या किसी को भी लेके अपनी लाइफ में मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाता. तुमने एक चीज अडेप्ट की कि अगर ये 10 चीजें अच्छी कर रहा है तो 2 से 3 चीजें इससे इसकी गलत जा सकती. और ये उन्होंने जो अंडरस्टैंड करके मेरे ऊपर सौंप दिया है कि ठीक है तुम्हारे लाइफ है, तुमने जो करना है तुम करो, तुम अगर गलत करते हो तुम्हें वो भोगना है, तुम अगर अच्छा करते हो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा.
तो मैं खुद सीखता हूँ, फिर मुंह के बल गिरता हूँ सीखता हूँ, मुंह के बल गिरता हूँ सीखता हूँ। बड़ा अच्छा है उनका ये चीज, मुझे बहुत दैट अच्छा इज द लगता है। बेस्ट एक्सपीरियंस आई थिंक. वो जो कहते हैं ना हाँ कि बादाम खाने से जितना नहीं पता चलता है, उतना धक्के खाने से, धोखे खाने से पता चलता है. इट फिट्स हियर. मम्मी का सो थोड़ा अलग है। सुमित, अभी देयर इज वन थिंग आई कैन नॉट एवर लाइक, वो चीज कभी हो नहीं सकती मेरे साइड से। किसकी भी माँ हो, मेरी ही नहीं, किसी की भी माँ, आई थिंक सो, माँ या बाप। एन इंसिडेंट हैपेंड लॉन्ग बैक, आई एम नॉट गोना शेयर दैट हु व्हाट, बट यस समथिंग हैपेंड एंड आई फेल्ट माय पेरेंट्स वर इंसल्टेड समवेयर एंड आई रिमेम्बर द रेज आई हैड इनसाइड। एंड मुझसे कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिससे मैंने उनको लेट डाउन किया था, तो मुझे बहुत दुख होता ओके, उस टाइम। तो मुझे लगा कि ये चीज नहीं होने देना। सो उनको एक चीज का पता है कि ये जो भी है हमें दुख नहीं पहुंचाएगा। तो मैं बहुत बार उनसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ये सब तो देख ही रही होगी मम्मी अभी लाइफ। फिर बाद में बोली कि अच्छा मेरा बेटा इतना प्यार करता है, फिर वो इमोशनल मोमेंट तो मेरे को समझ नहीं आता उस पर रिएक्ट क्या करें। मोमेंट. सो ऐसा होता मैं है और सुमित पापा कि सेम है इस आपको मामले कोई, में, हम इमोशनल नहीं हो सकते, अच्छा तो हाँ मैं नहीं हो ये वो ही सकते पूछने जा नॉर्मल रही में। थी कि ऐसा कभी होता है कि आपका कोई एपिसोड देख के मम्मा विल कॉल यू एंड लाइक, बेटा ये सब तुझे पता भी है, तू सच में ये जो बोल रहा है कभी लाइफ में, ऐसा ऐसा हुआ मोमेंट कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बट मम्मी मेरे को हमेशा फोन करके बोलती है, व्हेन एवर देयर इज अ सीन वेयर आई एम बीइंग हर्ट इन एनी पॉसिबल वे, माय मॉम कॉल्स मी आफ्टर दैट एपिसोड एंड शी, मुझे तो आज बहुत रोना आया, तो सब ऐसा हुआ शो में, मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है। तो मुझे वो सीरियल है, और ये हमेशा होता है, वो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर हर टू डिफरेंशिएट। जब मैं विलन प्ले कर रहा था ना, तो मम्मी ने मुझे बोला कि कितना नेगेटिव रोल है, तेरे को इतना नेगेटिव नहीं देख सकते, बोला एक्टिंग है, एक्टिंग ट्रू है ट्रू. भोली सी सो मेरी में। बिल्कुल बिल्कुल, माँ होती है ऐसी है. सो मम्मी के बारे में तो बात की, लेकिन व्हाट अबाउट योर लव लाइफ सुमित? जब मैंने जब स्टार्ट, बट इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स योर फैंस कॉल की आपको ये पूछना चाहते. ओके ओके ओके, प्लीज कम बैक. यस सो आई थिंक मे बी नेक्स्ट टाइम. नहीं देखिए, लव लाइफ मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत डिपेंड करता है हर एक इंसान पे कि उसके लिए लव क्या है, और किसी के True. लिए ऐसा लव है या इज टू लव और देन नेक्स्ट मंथ आई डेटेड समवन एल्स एंड देन Yeah. यो आई लव हर बट आई लव अच्छा, वो नहीं है मेरा, तो मुझे नहीं लगता कि वो, आई थिंक सो लव इज समथिंग विच इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सप्लोर लर्न एंड गेट मैच्योर्ड विथ। तो वो उसके ऊपर मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं बात करूं समझूं, मतलब मीडिया के मामले में बात करने की, ये करने की वो करने की, बट आई थिंक सो लव इज समथिंग विच डे बाय डे मेरे को समझ नहीं आता है। तो मेरे को फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार बहुत सारी चीज समझ नहीं आती है। तो सीख रहा हूँ मैं लाइफ में, एंड एज अ ह्यूमन इमोशनल मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उतना सीखूं पहले, इसके बाद लाइफ में उन चीजों को लेके। एंड आई थिंक सो मैं लव को लेके इतना बात करने से ज्यादा शायद उसको फील करने में इतना टाइम ज्यादा ये करूंगा। मुझे पता है कि आपको पूछना पड़ेगा, हर एक इंसान आके पूछता ही है, तो मैं नए नए तरीके ढूंढता हूँ कि कैसे इसके बारे में बात ना भाग करूँ। जाने के, कहीं ये वाईफाई का पासवर्ड इसीलिए तो नहीं चला जा नहीं, रहा था? तो ओके, मुझे सो सवाल तो लोग कुछ भी पूछेंगे ना कभी भी, तो उसको तो ट्रू हमें ट्रू ये करना है, टैकल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हाँ या ना में, अगर आपको ठीक लगे बस चले मत जाना. कि ये जो अभी हैशटैग जो अभी चल रहा है सू मल्लिका, सिर्फ हाँ या ना, कि ये सुमिल्का सिर्फ ये सीरियल तक ही है कि फिर सीरियल से बाहर भी है? सिर्फ हाँ या ना. देखिए, थोड़ा एलाबरेट आंसर दे ही देता हूँ। ऐसा नहीं है, ओके बहुत वो मेरे लाइफ में मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम बहुत अच्छे ओके से अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, हमारे बीच में झगड़े भी होते हैं, बट आई थिंक सो एज ए ह्यूमन आई वैल्यू हर अ लॉट एज ए ह्यूमन बींग, शी इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग, एंड हमने साथ में
कितना अभी 3 साल हो गए हम काम करते करते। उससे पहले 2 साल तो हम लोग स्वास्थ्य के ऑफिस में मिलते थे, वर्कशॉप्स के लिए, लुक टेस्ट के लिए, के लिए वो के लिए। सो वी हाँ हाँ डेवलप्ड अ ग्रेट बॉन्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रेस्ट एनीथिंग जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जो भी है, आई थिंक सो उनके बात करने का मोटिव ये नहीं है। मुझे लगता है कि वो बस हमें साथ देख के उनको अच्छा लगता है। एंड अच्छा वी हैव मैसिव लव, मी एंड मलिका बोथ, फॉर सुमेलिका फैंस, ऑल ऑफ देम, दे आर ग्रेट, दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके फैंस हो, मेरे फैंस हो, हम दोनों के साथ में फैंस हो, राधा कृष्ण के फैंस हो, सबके फैंस। मुझे लगता है कि मुझे अब भी याद है, मैं बसंत के साथ बात कर रहा था एक बार, तो ही वॉज नॉट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड आई न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉट इज इट लाइक टू गेट लव फ्रॉम पीपल ऑन सोशल मीडिया। आई आई फेल्ट ग्रेट, थोड़ा ही था बट अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसको बोला कि आओ ऑनलाइन, लोगों को मैसेज करो, मतलब मैं रिप्लाई करो, देखो उनके मैसेजेस, पोस्ट समथिंग, पीपल वॉन्ट यू देयर। सो ही वॉज वेरी वेरी कीन इनिशियली कि अरे हाँ हाँ चलो करते, नहीं था तो ही ट्राइड वंस एंड देन ही सेड कि हाँ यार बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है व्हेन आई परफॉर्म, आई कम बैक एंड देन आई चेक ट्विटर, मुझे बताता है कि जब लोग तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड नेक्स्ट डे आई वर्क विद अ लिटिल मोर एफर्ट। तो ये उनका प्यार है जो हमें इतना ये करता है। एज राधा कृष्ण, वी बोथ आर ब्लेस्ड टू प्ले राधा एंड कृष्ण ऑन स्क्रीन, वो तो बहुत अच्छी बात लगती है। एंड वो बॉन्ड हमारा भी बहुत अच्छा बना है, लोग हमें साथ में देख के उनको भी अच्छा लगता है, कहते हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, तो वो चीज है। बट इफ देयर इज आई एनीथिंग थिंक मोर टू इट, ये जो आपने बताया कि ऑफ स्क्रीन आपका बॉन्ड इतना अच्छा है, मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आप ऑन स्क्रीन उसको इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर पाते हैं, यू नो, विथ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ परफेक्शन. सो दिस दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस. नहीं सी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, सोशल मीडिया और एनीवेयर इट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, राइट? सो डेफिनेटली. यू नो, हम कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो किसी के भी के बारे में कोई भी जोक हम पढ़ते हैं, हम वी लाफ ऑन इट, राइट? हम देखते हैं, हम हंसते हैं किसी के ऊपर कोई भी। अभी एक चीज है जो बिल गेट्स का डिवोर्स हुआ है, राइट? तो उसके ऊपर भी बहुत लोग जोक्स बनाते हैं, बहुत लोग हंसते भी हैं, राइट? सो वो तो बिल गेट्स है, बट आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड एट अ वेरी यंग टाइम, 1.5 साल पहले, कि ये लाइफ में होगा, हमारे बारे में भी कहानियां बनेंगी। और मैं देखते देखते ही सीखा, नहीं मतलब नॉट जस्ट दिस, एनीथिंग एट ऑल, इन एनीथिंग। अभी क्या है कि कोई टॉपिक किसी को मिल जाता है, हर एक को जरूरी नहीं समझता हर कोई कि जाके हम लिंक तक पहुंचे और समझें, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द रियलिटी। सो पीपल टॉक, ट्रू. पीपल है ना, कंट्रोवर्सीज कितनी होती है इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग बात करते हैं, ये करते वो करते हैं। सो लोग बात करते हैं बट इतनी सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मैं उन नेगेटिव चीजों की बात कर रहा हूँ जो लोग नेगेटिवली बात गेट करते इट, हैं, आई गेट इट, इन आई चीजों गेट की। हाँ, ट्रू ट्रू. मैं पिछली बार लोगों को बुरा लग गया था, मैं कुछ तो मैं अच्छा बात करने जाता हूँ, मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है, फिर लोग कुछ और एस्पेक्ट में ले लेते हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों बात किया। फिर मैं बोलो अरे मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि मैं इनके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। एक एक सबको मैं किसी नोट पे कहना चाहता हूँ, सारे फैंस जो जिनको लगता है कि मैं या मलिका या बसंत या कोई भी और, वी डोंट लाइक यू और वी डोंट लव यू समथिंग लाइक दैट, देखिए ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में ना भले ही हम अच्छे अच्छे फोटो डाल रहे हैं, मैं बाइक ले रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, लाइफ आसान किसी को नहीं है। तो हमें अगर इसमें कोई प्यार कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हमारे हर फोटो पे प्यार दे रहा है, जब जरूरत पड़ती है हमारे स्टैंड ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती इस चीज से। वी